मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये जो वीडियोस हम लोग आपके सामने लेके आए हैं, खासकर ये सिगरेट का जो मशीन है वो है, और इस तरह का जो मशीन है वो आपका दुबई में लोकेटेड है, और दुबई से ये मशीन जो है सप्लाई हो रहा है पूरे इंडिया में। तो अगर आप सिगरेट मेकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये मशीन आप मंगा सकते हैं, और ये मशीन मंगा के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मगर इस मशीन को मंगाने के लिए मान लीजिए आपके पास अपना इंडिया में कंपनी होना चाहिए, आपके पास अपना आईसी कोड होना चाहिए, आपके पास अपना एडी कोड होना चाहिए, आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के आप इस चीज़ को नहीं मंगा सकते। और ये जो इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसका जो हम लोगों ने कैटलॉग देखा है उसके अनुसार ये आपको 5000 सिगरेट जो है एक मिनट में बनाता है, यानी 5000 सिगरेट एक मिनट में। तो आप सोचिए, अगर आप इसका प्रोडक्शन 8 घंटे भी करते हैं तो 8 घंटे में कितना मिनट होगा और कितना आपको सिगरेट बनके तैयार होगा। तो अगर आपके पास मान लीजिए सेल्स की कैपेबिलिटी हो, या मान लीजिए आप इतना सेल्स कर पाएँ, या इस लेवल की कंपनी खोल पाएँ, या मार्केट आपके पास है, तो ही आप इस फील्ड में आइए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के पास पहले बीड़ी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, या किसी कंपनी के पास तंबाकू बनाने का एक्सपीरियंस है, या किसी के पास ऑनगोइंग उसका प्रोडक्ट चल रहा है, ऐसी कंपनियां अगर इस फील्ड में आएँ तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनको सेल्स का थोड़ा बूस्टअप मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये मशीन भी मंगा सकते हैं, 5000 मिनट का प्रोडक्शन भी कर लीजिएगा, तो सपोज़ कीजिए आप 8 घंटे काम करते हैं और 7 दिन काम करते हैं, तो कितना प्रोडक्शन आपके पास होगा, उसके अनुसार आपके पास सेल्स भी होना चाहिए, तभी आपको बैकअप मिल पाएगा। तो इंडियन लॉ के अनुसार जो हमने बताया, आपके पास आपका कंपनी, आपका GST, IGST, आपका करेंट अकाउंट, आपका AD कोड, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड, आपका RCMC, ये सारा चीज़ होना चाहिए, तभी आप इस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर पाइएगा और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाइएगा। दोस्तों, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सेल्स का काम है। सेल्स जिसका अच्छा है, अगर वो प्रोडक्शन करता है तो बहुत आराम से अपने बिजनेस को चला पाएगा, मगर जो बंदा सेल्स में नहीं है और वो सोचे कि एक बार में खड़ा कर लेगा तो मुश्किल है। इसके लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का टाइमिंग चाहिए, और बैकअप में भी आपके पास अच्छा खासा फंड चाहिए, ताकि आप अपने टीम को या अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर पाएँ, प्रोडक्शन को मैनेज कर पाएँ और सेल्स को कर पाएँ। ये जो कंपनी है ऑर्किड टोबैको दुबई बोल के ये कंपनी है, इसका जो व्हाट्सएप नंबर है हम लोग डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। खरीदना नहीं खरीदना, इंक्वायरी करना, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप अपना इंक्वायरी करके ही अपना जो डिसीजन लेना हो लीजिएगा, क्योंकि बहुत तरह के गलत एक्टिविटीज़ भी कंपनियां करती हैं। मैं नहीं बोल रहा कि ये कंपनी करेगी या कौन कंपनी करेगी, आपका काम है खरीदना, तो सावधानी आपको रखना पड़ेगा, और सावधानी रख के ही अपने बिजनेस को आपको करना पड़ेगा। हम लोग इंडिया में किसी भी तरीके का टबैको का काम और लाइसेंसिंग का काम करवाते हैं, या अगर आप अपना प्रोडक्ट चला रहे हैं, मार्केट में सफिशिएंट नहीं है, या लीड नहीं मिल पा रहा है, या प्रमोशन करना चाहते हैं, तो इन सब कामों के लिए भी हम लोग के साथ जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपना भी व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, ताकि आप उस पर अपना इंक्वायरी जो है जनरेट कर पाएँ, मगर जो भी मीटिंग होगा वो पेड मीटिंग होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।